मुंबई शहर का फेमस वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान यानी कि भाईकेला जू 1861 में बने इस जू के अंदर टाइगर से लेकर लेपर्ड तक, स्पेशल बर्ड पार्क और 300 से भी ज्यादा एनिमल से, और इतना ही नहीं पूरे भारत में से इसी जू के अंदर आपको पेंगुइन्स देखने को मिलते हैं। ब्यूटीफुल नेचर में लोकेटेड इस रानीबाग को घूमने के लिए आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में वन डे पिकनिक के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। भाईकाला जू में आने के लिए आपको नजदीक का रेलवे स्टेशन भाईकाला रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन से मात्र 5 मिनट चलते ही आप इस भाईकाला जू में पहुंच जाओगे। जू के अंदर एंट्री करते ही आपको यहाँ पर ये वाला टिकट काउंटर नजर आएगा। यहाँ पर पर्सन 50 रुपीज एंट्री टिकट है, और छोटे बच्चों का 25 रुपये टिकट है, और पूरे फैमिली का 100 रुपीज टिकट है। और ये भाईकाला जू वेनेसडे को यानी कि बुधवार को बंद रहता है, और ये सुबह 9:30 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे बंद होता है। भाईकाला जू के एंट्री गेट से अंदर आते ही सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड की तरफ में जाना है, जहाँ पर ये ब्लैक हॉर्स स्टैचू की मूर्ति रखी हुई है। यहाँ पर आपको ब्रिटिश जमाने की ये छोटी सी मशीन गन तोफ नजर आएगी। इस तोफ को देखने के बाद मात्र 2 मिनट चलते ही आपको इस जू के अंदर सबसे पहले ये हाथी महाराज नजर आएंगे। वहाँ पर आपको एलिफेंट नजर आएगा, और ठीक इसके सामने आपको ये वाला लायन का सेक्शन नजर आएगा। ये वाला केज लायन के लिए बनाया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर लायन नहीं है। जब आप यहाँ पर नेक्स्ट टाइम आओगे तब यहाँ पर आपको शायद लायन देखने को मिल जाए। हाथी राजा को देखने के बाद अभी हम बियर यानी कि भालू को देखने के लिए आए है, और लोगों से डर कर हमेशा ये भालू दूर ही रहता है। अगर आप लकी हुए तो ये भालू आपको नजदीक से दिखाई देगा। भालू को देखने के बाद भालू के पास में ही ये टाइगर का सेक्शन बना हुआ है, और इस केज के अंदर 2 टाइगर है, और जितने भी लोग इस भाईकाला जू में आते हैं उन सभी का फेवरेट ये टाइगर है, क्योंकि ये टाइगर सभी को बहुत ही अच्छी तरह से एंटरटेन करता है। टाइगर को देखने के बाद थोड़ा सा आगे आते ही आपको ये वाला रेस्टोरेंट नजर आएगा, और इस रेस्टोरेंट के आगे ये हिप्पोपोटामस आपको दिखाई पड़ेगा, जिसे मराठी में पान घोड़ा कहते हैं, और इन्हें अफ्रीका से यहाँ पर लाया गया है, और इनका वजन 3200 तक का हो सकता है, और ये पानी के अंदर 7 मिनट तक रहते है। हिप्पोपोटामस देखने के बाद उसके बिल्कुल पास में ही बांग्लादेश, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान इस जैसे कंट्री में पाए जाने वाले अलग अलग प्रजाति के बंदर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम रानीबाग में सभी को अपने ओर आकर्षित करने वाले एनिमल के पास में है, जिसका नाम है डियर, और इस वाले सेक्शन में आपको स्पॉटेड डियर और बारहसिंगा एक साथ देखने को मिलता है। डियर को देखने के बाद 2 मिनट आगे चलकर आते ही यहाँ पर आपको ये सांबार नजर आएंगे। ये भी हिरण के प्रजाति के हैं, लेकिन इन्हें सांबार डियर कहा जाता है।
अभी हम लेपर्ड और हाइना के सेक्शन में है। अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर यह हाइना यानी कि लकड़बग्घा नजर आएगा और ठीक इसी के सामने 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से भागने वाला यह लेपर्ड आपको नजर आएगा। टाइगर के बाद में ये सभी का फेवरेट एनिमल है। लेपर्ड को देखने के बाद अभी हम पेंगुइन्स को देखने वाले हैं। इस बड़े से बिल्डिंग के अंदर पेंगुइन्स को माइनस टेम्परेचर पर रखा जाता है और इन सारे पेंगुइन्स को दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पर लाया गया है। और इस बाइकला जू में जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो स्पेशली पेंगुइन को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। पेंगुइन्स को देखने के बाद अब जैसे बाहर आओगे अब इस बड़े से रेस्टोरेंट में पहुंच जाओगे। इस बाइकला जू में आप बाहर से फूड लेकर नहीं आ सकते, तो यहाँ पर यह बड़ा सा फूड कोर्ट बना हुआ है। यहाँ पर आपको 50 रुपीज से लेकर 250 तक सारी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी। मैंने अपने लिए यहाँ पर 150 रुपीज का वेज पुलाव लिया था। इस रानीबाग जू में स्पेशल बर्ड पार्क भी बना हुआ है। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के कलरफुल पक्षी बहुत ही नजदीक से देखने के लिए मिलते हैं। पक्षियों को देखने के बाद 2 मिनट चलकर आगे आते ही यहाँ पर आपको ये केचुए नजर आएंगे। यहाँ पर आपको जमीन पर रहने वाले केचुए और पानी के अंदर रहने वाले स्पेशल प्रजाति के कछुए देखने को मिलते हैं। टर्टल के पास में ये क्रोकोडाइल का सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर टोटल 2 फ्लोर है और इसके ग्राउंड फ्लोर पर कांच की दीवार बनी हुई है। यहाँ से आप क्रोकोडाइल को बहुत ही नजदीक से देख सकते हैं। क्रोकोडाइल को देखने के बाद अभी हम एक्वा बर्ड्स देखने वाले हैं। जो पक्षी पानी में ज्यादातर रहते हैं उन्हें एक्वा बर्ड्स कहा जाता है और ये ज्यादा करके मछलियों को खाते हैं। भाईकला के इस रानीबाग जू में टोटल 4 से 5 बोटानिकल गार्डन्स बने हुए हैं और छोटे बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर अलग से गार्डन है। इस भाईकला जू को आपको पूरा एक्सप्लोर करने में 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।